आज हम आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स बताएंगे। जब बेस 100 है, हमने क्या माना कि जब बेस 100 है तो 100 का हमने पता है कि एग्जाम्पल 105 का स्क्वायर करना है, तो इसमें क्या करना है कि 500 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करके इस लाइन के बाद हमेशा 2D ही लिखेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। और इसी 105 में क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे, या ऐसे लिख लो 105 + 5। तो 105 यहां से कितना हो, 110, और इधर का 25। ऐसे ही हमें मान लो 115 का स्क्वायर करना है, तो फिर लाइन के बाद हमेशा 2 डिजिट ही इसमें आएंगे। तो 100 से कितना ज्यादा है, 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, यानी 2 डिजिट, तो 25 बचा यहां पर। अब 115 में क्या करें, 15 को ऐड कर देंगे, तो 130 और 2, 220 को भी इसमें ऐड करेंगे। ऐसे ही हमें मान लो अभी 98 का स्क्वायर करना हो, तो 98 के स्क्वायर में 100 से कितना कम है, एक 2 कम है, तो 100 से 2 कम, हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसमें हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 0 4। और 98 में से हम 2 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना आएगा, लिख लो 98 - 2, तो 96 0 4। अब जब बेस 50 है, मान लो अभी तक तो बेस 100 था, बेस 50 है, 50 क्या है, 50 जो है 100 का ही तो हाफ है, 1/2 है 100 का, 50, तो हमें बताना है 54 का स्क्वायर। तो 54 का स्क्वायर में 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16। 54 में 4 को क्या करेंगे, ऐड, तो 54 + 4, और इसका क्या करना है, 1/2, तो 54 में प्लस का 4 ऐड किया, 58 का हाफ करें कितना आएगा, 2 9 1 6। अब हमें 48 का स्क्वायर बताना है, तो 48 का स्क्वायर 50 से कितना कम है, डायरेक्ट लिखेंगे 50 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर 0 4, 48 में 2 मान कर कितना आएगा, 46, 2 से क्या करें, डिवाइड करें, कितना आएगा, 2 3 0 4। ऐसे मान लो 45 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 45 में से 5 माइनस किया कितना हो जाएगा, 20, और 20 का 40, और 40 हाफ पर कितना आएगा, 20। ऐसे हम क्या करना है, मान लो बेस, अब बेस 200 मान लिया, बेस कितना है, 200, ये क्या है, ये 200 है, 2 का 100 गुना है, 100 का 2 गुना है, तो मान लो बताना है 208 का स्क्वायर बताना है, कैसे करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 200 में 8 ऐड करेंगे कितना हुआ, 216, और हमें 262 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा ये, 432 और 64। ऐसे हमें मान लो 215 का स्क्वायर करना है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, लेकिन यहाँ पर हम लास्ट के 2 डिजिट ही लिखेंगे। अब 215 में क्या करें, 15 को ऐड करेंगे, 230, 230 में का 2 गुना करेंगे कितना आएगा, 460, और 460 में एक 460 और 2 क्या है, एक्स इधर यहाँ आ जाएगा, तो 462 25। ऐसे ही मान लो मैं 600 का करना हो, 614 का स्क्वायर करना हो, तो भाई 614 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना हुआ, 196, तो 614 में 14 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 628, और 628 का भाई 100 का 6 गुना, इसलिए हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर लो,
और इधर कितना है 196, इस वन को क्या करेंगे यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो 376996।